सिंगापुर में काम करोगे, कौन कौन सी सैलरी किस किस इंडस्ट्री में है, आज एक ऐसा सवाल था तो उस वीडियो को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आया था कि सर आप सभी की सैलरी बताओ कि सिंगापुर में कौन कौन सी सैलरी किस इंडस्ट्री में किस प्रोफेशन में और कौन सी पोस्ट के लिए है जो फॉरिनर्स काम कर सकते हैं। तो जिस भी फॉरिनर्स काम कर रहे हैं सिंगापुर में, जहां तक एक जनरल आइडिया, तो वो कितना कमा रहे हैं एक महीने में, एक आइडिया ऐसा बताने वाला हूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि भाई कितनी सैलरी एक इंडियंस को मिलती है। आपको मेरी भी सैलरी इस वीडियो में पता लगेगी, तो पूरी देखना भाई, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ बहुत नॉर्मल होती जा रही है, ट्रेवल बहुत इजी होता जा रहा है, लोगों के वर्क परमिट लग रहे हैं। मेरे काफ़ी मैसेज ऐसे आए थे कि सर मेरा वर्क परमिट लगा है, आप चेक कर दो, IP आया हुआ है। तो भाई बहुत खुशी की बात है। सैलरी उनकी कम है या ज़्यादा है ये उनके ऊपर, उनके टैलेंट के ऊपर बात है। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, आपने थंबनेल से भी मैंने देखा कि सर सभी की सैलरी बताई जाए कि जो हमारे इंडियन भाई या एशियन भाई काम कर रहे हैं सिंगापुर में तो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो आज इसमें बताने वाला हूं टॉप लेवल से व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब और लेबर जॉब, जो लेबर जॉब उस सब की सैलरी आपको बताना है। तो आप कहां फिट होते हो, आपको अच्छा सिंगापुर लगता है नहीं लगता, क्योंकि सिंगापुर जो है आप किसी कंट्री को किसी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। अगर आप दुबई में काम करते तो वहां की सैलरी क्राइटेरिया अलग है। अगर आप दुबई का एक इंजीनियर अगर ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियर की सैलरी से बात करेगा तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि सैलरी जो है अपनी कंट्री की इकोनॉमी, वहां की जॉब मार्केट पर डिपेंड करता है और वहां के गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या सैलरी रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कह रखा है कि एक इंजीनियर को 5,000 मिलेंगे तो आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जितनी सैलरी आपको डिक्लेयर करी गई है अकॉर्डिंग टू लॉ, मीन्स एक लॉ होता है हर कंट्री में। अगर इंडिया में देखी जाए, एक IT पर्सन की सैलरी 40-50K होती है, अगर एक होटलियर की सैलरी देखो 20-25 होती है, अगर एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर की देखो 35-60 जाती है, गवर्नमेंट में 80-1 लाख जाए, तो हर किसी का क्राइटेरिया होता है। इसी तरह से सिंगापुर में भी क्राइटेरिया है कि आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हाई रिस्क है लो रिस्क है, मैनेजमेंट पर भी किस लेवल पर काम कर रहे हो, सेमी मैनेजमेंट पर हो या लेबर पर हो या मिड लेवल पर हो, तो कौन सा लेवल। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, गलती से मेरा चैनल देख ले, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन जरूर दबा देना, और जितने भी क्वेश्चंस हैं कमेंट्स पे करके पूछना। मैं हो सकता है हर कमेंट्स के लिए ऊपर एक वीडियो बनाए ताकि सभी को, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि हर किसी का आंसर देना इट्स इम्पॉसिबल, मिस टाइप करना बहुत। अगर एक दिन में 100 कमेंट्स आते हैं तो 100 कमेंट्स को पढ़ के एक कॉमन वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन 100 कमेंट्स को पढ़ के हर एक का आंसर देना मुश्किल है। तो एक सवाल जो था उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सिंगापुर में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फॉरिनर काम करते हैं, IT, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 5 इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सिंगापुर में बहुत माइनर, मीन्स बहुत ही माइनर सेक्टर्स है इसका, तो यहाँ पर जॉब एग्रीकल्चर नहीं है भाई। तो यहाँ पर सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो सैलरी मिलती है, अगर आप IT पे काम करते हो, अगर मैनेजर IT मैनेजर, तो आपका पर एनम पैकेज 80,000, हाँ 6,500 डॉलर्स पर मंथ जाता है। अगर आप IT में मिड लेवल पर काम कर रहे हो तो भाई 2,500 से 3,000 जाएगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो या सेल्स के टॉप मैनेजमेंट लेवल पर, आपकी सैलरी 4,000 डॉलर्स जा सकती है। अगर आप मिड लेवल पर 2.5 to 3K, अगर आप लो लेवल पर हो तो भाई आपकी 1,200 या 1,500, अगर आप होटल लाइंस में बिल्कुल फ्रेशर हो तो 1,500-1,600 मिलेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस पर हो तो 2,500 से 3,000 मिलेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में जो नर्सिंग का काम करते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो यहां पर आपको 2,500 से 3,000 डॉलर्स मिलेंगे। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में एज अ टेक केयर, एज अ नर्सिंग होम में टेक केयर का काम कर रहे हो तो आपको 800 से 1,200 वर्क परमिट आपका होगा, ठीक है। तो नर्सिंग की बता दी, IT की बता दी, हॉस्पिटैलिटी से। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपको बहुत ही कंप्यूटर्स की ऐसी नॉलेज है जो आप एक मॉडल बना सकते हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो, कुछ ऐसी यूनिक स्किल्स होती हैं, तो आपकी सैलरी 5,000 डॉलर्स या 4,500 डॉलर्स के आसपास होगी, जो आपका सैलरी पैकेज जो जाएगा 55,000 डॉलर्स जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो आपका 40 टू
150K आपका जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में जो सुपरवाइजर है, लाइक ड्राइवर्स है, सुपरवाइजर है, सेफ्टी और कोऑर्डिनेटर्स है, तो इनकी सैलरी भाई 2.5 to 2,000 होती है डॉलर्स में। अगर आप वर्कर हो, लाइक जनरल वर्कर की 18 से 20 डॉलर महीने की 600 बनती है। अगर आप एक्सपीरियंस स्किल वर्कर हो तो आपकी सैलरी 1400 डॉलर्स बनती है। तो सारी कैटेगरी बता दी, आप इन कैटेगरीज में जॉब लेना किस तरह से पॉसिबल है मेरे चैनल को जाके देख लेना। बहुत सारी वीडियो है, टॉप एजेंसीज कौन सी है, टॉप कोर्स कौन से हैं, इंडिया की एजेंसीज कौन सी है, सिंगापुर में कहाँ कहाँ एजेंसी, ऑनलाइन फ्रेंड सर्कल से अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और आपकी प्रोफाइल किस हिसाब से आपको मिलती है, आप मुझे कमेंट्स में करना कि आपने क्या कर रखा है, तो मैं हो सकता है उसके हिसाब से आपकी। अब बात करते हैं कि सिंगापुर में जॉब लेना क्या इतना टफ है। आपको पता है सिंगापुर में जॉब लेना टफ नहीं है, बट मेहनत करनी है आपको, फाइंड करनी है द वे कि हम किस प्रकार से जॉब ले। एक जॉब अप्लाई करने के लिए 8 इजी स्टेप्स होते हैं, अगर आप चाहते हो वो 8 इजी स्टेप्स कौन से हैं तो अगली वीडियो में बता देना, कमेंट्स में जरूर करके बताना कि हाउ टू फाइंड जॉब इन सिंगापुर। तो 8 बहुत ही सिंपल तरीके हैं जॉब लेने के, आप कैसे कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड वे है। और हाँ भाई, एजेंसीज के थ्रू जॉब मिल सकती है, ट्राई करोगे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको आपका वीजा चेक करना आना चाहिए भाई, कि वीजा कैसे चेक किया जाता है आईपीए इन सिंगापुर। अगर आप यूट्यूब पे डालोगे पहली दूसरी तीसरी तीन वीडियोस आएंगी, मेरी आएगी, दो वीडियो और है, उनको फॉलो कर लेना, आपका पता लग जाएगा। उसमें होता है फिन नंबर, तो फिन नंबर अगर आप डालोगे जैसे ही अपना www.mom.gov.sg में ई सर्विस पे लॉगिन करोगे, आप अपना ई वीजा स्टेटस चेक करोगे तो फिन नंबर डालोगे, आपकी हिस्ट्री आ जाएगी आपका वीजा स्टेटस अप्रूव्ड है या नहीं है। तो बात करते हैं भाई, देखो ऐसा है, अब बात वर्क परमिट से हम बहुत इंप्रूव हो सकते हैं भाई। आपकी मेहनत किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी मेहनत, आप कितने मन से अपना इंडस्ट्री में काम करें ताकि आपका एम्प्लॉयर आपको बहुत काम कर सके। अब बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री की, जॉब कैसे मिलती है। आईटी इंडस्ट्री के लिए आपको एजेंसीज की भी इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आईटी में जो लोग बेंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद गुड़गांव इन यहाँ पर काम कर रहे हैं, एमएनसी से एमएनसी आप काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको थोड़ा सा आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एजेंसीज की, और आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, फेसबुक वगैरह पे काफी पोस्टिंग होती है। मैं हर बार बताता हूं आपको आईपीए चेक करना चाहिए, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आपका वीजा होता है जो 3 महीने का वैलिड होता है। वर्कर जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम है, लेकिन काम करना चाहते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहते आगे, तो उनके लिए जनरल वर्कर की कैटेगरीज है 18 डॉलर। अगर आप स्किल लेके आते हैं तो 22 डॉलर तक आपकी सैलरी जाती है, मेहनत करते हैं तो आपकी 25-30 डॉलर आ जाती है। गारंटी, अगर आपने 5 साल काम कर लिया आपकी सैलरी 1500 से 2000 डॉलर्स होगी, और ये मेरे हिसाब से एज अ इंडियन काफी मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो इसी तरह से होटल इंडस्ट्री में तो भाई जॉब लेना बहुत आसान है, इतना भी आसान है, घर से बैठ के जॉब नहीं मिलेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा कि क्या है, बहुत सारी एजेंसीज हैं भाई, आपको ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने राइट प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए कि यार सिंगापुर का वीजा की राइट प्रोसेस क्या है, अगर वो आपको पता लगी तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई आपके साथ चीट नहीं कर सकता, आपका वीजा आएगा। अगर आपको ये चीजें पता होंगी कि क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जाने के लिए मेरे चैनल को ढंग से देखो भाई, अच्छी तरह से देखो, एक नोटबुक कॉपी पर पेन बैठो और देखो क्या क्या होता है, सिंगापुर की प्रोसेस क्या है, क्या वीजा है, किस कैटेगरी का है, आप अपने अलाइज करो कि आप कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इस तरह से आप एनालाइज करके करोगे सिंगापुर वीजा आपको मिल जाएगा। बहुत सारी एजेंसीज हैं, अगर आप ऑनलाइन भी सिंगापुर के थ्रू, अगर 3000 एजेंसीज इन सिंगापुर में, इंडिया में बहुत सारी हैं, वर्क परमिट की तो भरमार है, वर्क परमिट लेबर जॉब की तो सिंगापुर में बहुत नीड रहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।